हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं संगम काल के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके पेपर में बार बार क्वेश्चन यहाँ से पूछ जाते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाया है या फिर आप कहीं मॉडल प्रैक्टिस सेट करते हैं तो उसमें आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जो कि आपके पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ध्यान से देखिएगा। इसमें मैं जितने भी क्वेश्चंस आपको बताने वाला हूँ, इससे बाहर आपके पेपर में एक से भी क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। ठीक है, तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह है कि तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है। तो जीवक चिंतामणि का संबंध जो है वो जैन धर्म से है, तो आप इसको आसानी से याद कर पाएंगे। कैसे, देखिए जीवक में जो ज आ रहा है वो जैन धर्म में भी ज है, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा कि जीवक चिंतामणि जो है वो जैन धर्म से संबंध रखता है। और ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि तमिल के शिल्पादिकारम और मणिमेकलाई नामक जो गौरव ग्रंथ है वो किससे संबंध है, यानी कि ये जो आपका जो दो ग्रंथ है ये किस धर्म से संबंध रखते हैं। तो इसका संबंध है बौद्ध धर्म से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। और इनके बारे में आपको बताऊंगा कि लास्ट में कि इनके जो लेखक रचनाकार कौन कौन थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें जानकारी मिल जाएगी, तो आप बस वीडियो को ध्यान से देखते रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लाल केयर के नाम से प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने कड़ागी या फिर इसको हम लोग कहते हैं पतिनी, ठीक है, पतिनी के मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पे आपका जो सी होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, सेन गुटवन। ठीक है, सेन गुटवन जो था ये किस वंश, सॉरी किस राज्य का था, तो ये चेर राज्यवंश का था। ये मैं आपको ये जो अभी वर्तमान में 29 राज्य इनके बारे में, सॉरी 28 राज्य इनके बारे में डिस्कस नहीं करूँगा। यहाँ पर राज्य का मतलब संगम काल में, यानी कि पहली शताब्दी से लेकर तीसरी शताब्दी में जो राज्य हुआ करते थे संगम काल के अधीन, उनके बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो जब भी मैं राज्य बोलूं तो यहाँ पे तीन राज्य के बारे में डिस्कस होगा, जैसे कि चेर, चोल और पांडे। ठीक है, इन तीन राज्यों के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो फिलहाल बात करते हैं सेन गुटवन। तो सेन गुटवन जो राजा थे ये चेर राज्य के प्रख्यात शासक थे। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है, यानी कि संगम युगीन की जो व्याकरण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना है वो किसे माना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा तोलकापियम। ठीक है, तोलकापियम इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर बात करें कि तोलकापियम के रचयिता कौन थे, तो तोलकापियर इसके रचयिता थे। ठीक है फ्रेंड्स, तोलकापियर इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल देखिए ये क्वेश्चन क्या है, संगम युग में उरैयूर किसके लिए विख्यात था। तो उरैयूर एक जगह था संगम युग में, इस ये किसके लिए विख्यात था, तो उस समय वहाँ कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था, जिसकी वजह से ये फेमस था। ठीक है, उरैयूर आपको याद रखना है, उरैयूर कपास के लिए फेमस था। क्लियर फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि तोलकापियम ग्रंथ संबंधित है, जो तोलकापियम ग्रंथ है वो किससे संबंधित है। जैसे कि मैंने आपको ऊपर में बताया, तोलकापियम जो ग्रंथ है ये संगम युगीन व्याकरण रचना की सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने आपको क्या बताया था, व्याकरण। ठीक है, यानी कि ये व्याकरण और काव्य से रिलेटेड है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्लियर, अगले क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि धार्मिक कवियों का संकलन कुराल किस भाषा में है। जो ये कुराल है ये धार्मिक कविताओं का संकलन है, तो ये किस भाषा में लिखा गया, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन जाता है तमिल। ठीक है, जो कुराल है ये तमिल भाषा में लिखा गया, तो ऑप्शन यहाँ पे बी होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी कि इसमें से जो मैच किया गया वो सही नहीं है। तो देखिए यहाँ पे किस किस के मैच है, तो ये राज्य और राज्य चिन्ह है, यानी जैसे कि मैंने आपको राज्य के बारे में बताया था कि चेर, चोल और पांडे, इन तीन राज्यों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो इनका राजकीय चिन्ह क्या था इन अलग अलग राज्यों का। तो चलिए मैच करके देखते हैं, जैसे कि चेर का धनुष बिल्कुल सही है, अगर चोल की बात करें तो चोल का बाघ हुआ करते थे बिल्कुल सही है, और पांडे की बात करें तो पांडे की मछली है, तो तीनों सही है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा, इनमें से कोई गलत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जो तीनों मैच किया गया वो तीनों के तीनों मैच सही है। अब इसको याद कैसे करेंगे, इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताता हूँ, आप बस ध्यान से सुनते रहिएगा। जैसे यहाँ पर देखिए चेर, यानी कि सी से लिखा गया चेर सी, और ये आपका धनुष में डी, तो यानी कि इसको आप कह सकते हैं सी डी। ठीक है, सी डी, बस एक बार आप इसको सुन लेंगे तो आप हमेशा याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए नेक्स्ट क्या, अगर बात करें कि चोल, तो यहाँ पे बाघ है, चोल राज्य का जो संबंध है राज्य की चिन्ह था वो बाघ था, आप इसको कह सकते हैं, जैसे कि हमेशा आपके सुनते हैं कि चीते की चाल बाघ की चाल, आप कह सकते हो। ठीक है, शेर की चाल या फिर चीते की चाल सुनते हो, तो आज यहाँ पे आप सुन लो कि बाघ की चाल। ठीक है, बाघ की चाल यानी कि जो बाघ था वो चाल, चोल आप कह सकते हैं, चोल यानी कि चाल मैं कह रहा हूँ,
तो चाल यानी कि बाघ, ठीक है, इन दोनों को आप एक दूसरे से कोलेबरेट कर सकते हो, चोल चाल, ठीक है। चोल जो राज्य था, इसका जो राजकीय चिन्ह था वो बाघ था, क्लियर। अब देखिए पांडे को कैसे याद रखेंगे, मछली। तो आपने महाभारत देखी है, उसमें पांडव के जो अर्जुन थे, पांडव में अर्जुन थे, उन्होंने मछली के आंख में तीर को मारा था। तो यहाँ पे पांडे से संबंधित रख सकते हैं कि मछली, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको आसानी से ये याद हो गई होगी, क्लियर। अब मैं आपको एक बार फिर से रिविजन करा दूंगा, जैसे ही आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें आपको डिस्कस कर दूंगा, तो आपको आसानी से ये याद हो जाएंगे। फिलहाल बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि सही सुमेलित नहीं है। अब ये किसके संबंध में, तो पुस्तक और उसके लेखक के संबंध में, जैसा कि मैंने आपको ऊपर में बताया था कि इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, तो बस यही है इसके बारे में डिस्कस। तो देखिए चलिए क्या करके मैच करते हैं। जैसे कि तुलकापियम, तुलकापियम के लेखक कौन है, तुलकापियर, मैंने आपको ऊपर में बताया था। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि संगम युगीन व्याकरण का रचना की सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है तुलकापियम, और किससे संबंधित था, व्याकरण और काव्य से, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन चारों में सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है। अब देखिए मैंने सबसे सेकेंड जो क्वेश्चन था हमारा, इसके बारे में डिस्कस किया था कि शिल्पाधिकारम जो है ये किस किससे संबंधित है, किस धर्म से, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित था, और मणिकेलाइम जो था ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित था। तो फिलहाल इसके लेखक के बात करें तो इलांगो आडिगल बिल्कुल सही है, और अगर मणिमेकलाई के बात करें तो शीतले सतनार जो है ये भी बिल्कुल सही है, और जीवक चिंतामणि जो कि ये जैन धर्म से संबंधित था, तो इसके जो लेखक थे तिरुवेक देवर जो थे ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो भी मैच किया गया वो बिल्कुल करेक्ट है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है, यानी कि ई हमारा राइट आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, इनमें से कोई नहीं, सभी जो मैच है वो बिल्कुल सही तरीके से किया गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो जीवक चिंतामणि है ये आपका जैन धर्म से संबंधित है, और ये दोनों, ठीक है, ये दोनों जो था ये बौद्ध धर्म से संबंधित था, क्लियर फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी सारी जानकारी याद रखनी है, तो आई होप कि आप लोगों को जरूर वीडियो पसंद आएगी। तो इस वीडियो को अभी लाइक करो अगर आपने अभी लाइक नहीं किया है तो, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया। तो अगर बात करें इसके राइट आंसर का, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा, अगस्त्य से, ठीक है, अगस्त्य से यहाँ पे राइट होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स कि तिरुवल्लुर जो कि रचना कुरल या फिर मुपाल को कहा जाता है, ठीक है, यानी कि तिरुवल्लुवर जो थे उनकी जो रचना थी कुरुल या फिर मुपाल को कहा जाता है, ये किससे संबंधित है, तो ये जो संबंधित है तमिल भूमि का बाइबल कहा जाता है, ठीक है, तमिल भूमि का बाइबल कहा जाता है, ऑप्शन यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। इससे बाहर आपके पेपर में एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, चाहे आप कितने साल पुराने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लो, या फिर आने वाले चाहे जितने भी एग्जाम्स होंगे, इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। यहाँ पर मैंने आपके जो 20 क्वेश्चन दिए हैं ये सुपर इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन है इस टॉपिक के लिए, ठीक है। संगम काल से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि मैंने आपको जीवक चिंतामणि के बारे में बताया था वो तो इतना सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको हर पेपर में देखने को मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए इसको क्या कहते हैं कि तमिल काव्य का इलियड किसे कहा जाता है, तो तमिल काव्य के इलियड के रूप में जाने जाते हैं, यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा शिल्पाधिकारम। अच्छा अब बात आती है इसको याद कैसे रखें, तो इसको याद रखने के लिए एक बहुत ही सिंपल देखिए तरीका है कि देखिए इलियड में ल आ रहा है, ठीक है, ल यहाँ पर ल देख रहे हैं आप इलियड में, अब यहाँ पे शिल्पाधिकारम में भी ल देख रहे हैं, तो अब आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि तमिल काव्य का उड़ीसी किसे कहा जाता है, वो हमारा था इलियड, तमिल काव्य का इलियड किसे कहा जाता था, और ये हमारा है तमिल काव्य का उड़ीसी, ठीक है। तो तमिल काव्य के उड़ीसी के नाम पे अगर बात करें तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मणिमेकलाई। अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे, उड़ीसी यानी कि आप इस तरह से भी तो इसको बोल ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, उड़ीसी में अगर इसको बोलूँ उड़ीसी यानी कि देखिए अड़ा आ रहा है इसमें भी, इसमें अड़ा आ रहा है, ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, उड़ीसी तमिल काव्य का उड़ीसी मणिमेकलाई, क्लियर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि पूहर या फिर कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की, देखिए कावेरी पट्टनम को ही पूहर कहा जाता था, तो इन दोनों नामों को आप याद रखिएगा, हो सकता है कि पेपर में ये ना देकर ये दे दे, ठीक है। तो पूहर या फिर कावेरी पट्टनम किसने स्थापना की थी, तो बात करें इसके राइट आंसर की, इसकी स्थापना किसने की थी, तो इसके जो संस्थापक थे वो थे करिकाल, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा करिकाल, क्लियर फ्रेंड्स। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बनता है, अगला क्वेश्चन है कि राज्य और प्रख्यात शासक के संबंध में, ठीक है, मैंने आपको ऊपर में बताया था कि इसके बारे में लोग आगे डिस्कस करेंगे, जो चेर राज्य का प्रख्यात शासक थे वो कौन थे,
तो सेन गुट वंत थे, ठीक है, सेन गुट वंत, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे बात की जा रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है, तो अभी एक एक करके मैच करके देखना पड़ेगा कि कौन सही है कि नहीं। तो चेर जो राज्य के प्रख्यात शासक थे सेन गुट वंत थे, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। अगर बात करें चोल, तो चोल के जो सबसे प्रख्यात शासक थे कारिकाल, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और पांडे की बात करें तो पांडे देखिए नेडुजेलियन जो थे, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो यानी कि अगर ऑप्शन डी की बात करें तो ये हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कि इनमें से कोई भी गलत नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे तीनों पॉइंट्स को आपको याद रखना है, क्लियर। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अच्छा एक बार मैं आपको यहाँ पे रिवीजन कराता हूँ, अगर यहाँ पे राज्य चीन के बारे में पूछता, जैसे कि मैंने आपको ऊपर में बोला था कि कैसे आपको याद रखना है, तो आपको याद होगा कि चेर के बारे में मैंने आपको बताया था सी डी, ठीक है, यानी कि सी और यहाँ पे डी से धनुष, ठीक है, यानी कि जो चेर राज्य का प्रतीक चिन्ह था, राज्य के चिन्ह था, वो था धनुष, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए बात करते हैं चोल, चोल के बारे में आपको क्या बताया था, बाघ की चाल, यानी कि बाघ टाइगर, ठीक है, बाघ की चाल। और थर्ड के बारे में आपको क्या बताया था कि पांडव के जो अर्जुन थे उन्होंने किसके आंख में तीर को मारा था, तो मछली, बिल्कुल आपको याद हो गया होगा, ठीक है। अगर आप याद नहीं किए भी होंगे तो अब याद हो गई होगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था, तो मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था, तो ये चेर राज्य का प्रमुख बंदरगाह था, तो ऑप्शन यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले क्वेश्चन को देखिए क्या है कि किस संबंध में यह कहावत है कि जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन सात आदमियों का पेट भर सकता है, ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये कहावत भी बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो आपके पेपर में चांसेस है कि पूछा जा सकता है। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा, कावेरी पट्टनम, ठीक है फ्रेंड्स, कावेरी पट्टनम के संबंध में ये कहावत कही गई है कि जितने जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन सात आदमियों का पेट भर सकता है, ठीक है, बहुत ही अच्छी लाइन है, आप इसको याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि प्लिनी के ग्रंथ एवं अज्ञातनामा लेखक के ग्रंथ परिपल्स के अनुसार मोती के सीप पांडे देश के किस क्षेत्र से निकाले जाते हैं, ये भी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में बार बार पूछा भी गया है, आप देख सकते हैं। बात करें कि मोती के दीप कहाँ से निकाले थे, तो ये जो पांडे देश की जो राजधानी थी एक क्षेत्र था कोरलचे, ठीक है, कोलचे था, यहाँ से ये निकाला जाता था मोती के सीप, ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्राचीनतम तमिल देवता मुर्गन, ठीक है, मुर्गन किस वैदिक देवता के सदृश है, तो जो मुर्गन थे वो किस वैदिक देवता के सदृश थे फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मकद या फिर कार्तिकेयन, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, क्लियर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि संगमकालीन साहित्य में कोन, को और मनन किसके लिए प्रयुक्त होते थे, ये एक शब्द था कोन, को एवं मनन, ये तीन शब्द आपको याद रखने, ये किसके लिए प्रयुक्त होता था, तो ये राजा के लिए प्रयुक्त हुआ करता था, ऑप्शन यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा, क्लियर फ्रेंड्स। तो देखिए इस वीडियो में हम लोगों ने जो 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट संगम काल से जो कि पहली से तीसरे शताब्दी में चला था इसके बारे में हम लोग डिस्कस किया। इससे बाहर आपके पेपर में एक भी क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिल जाए तो आप इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके बताना और आज के बाद मेरी वीडियो को कभी मत देखना, ये मेरी पर्सनल गारंटी है, इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, क्लियर फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो और इसमें जो भी मैंने आपको तरीका जो बताया याद करने का अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर ठोकना और इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके जाना ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।